जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम काफी समय बाद अपने चैनल पर लौटे हैं। कुछ कारण हो गया था जिस कारणवश हम अपने चैनल से दूर रहे, लेकिन मैं आपके लिए आज बहुत ही गुड न्यूज लेकर आया हूँ सभी किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ से लेके प्रयागराज तक एक गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, उसके बाद में इसको कैबिनेट में अप्रूवल होने के बाद इसका बैनामे फाइनल कर दिए गए हैं। और इस एक्सप्रेसवे की वो निकट घड़ी पास आ चुकी है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2021 नवंबर के माह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले महीने एक मीटिंग ली थी, कैबिनेट मीटिंग, जो फाइनल लास्ट मीटिंग इस एक्सप्रेसवे पर हुई है और सभी जितने भी प्रोजेक्ट है उन पर मोहर लगा दी गई है। और मैं महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जिस प्रकार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और किठौड़ विधानसभा का जो अनाउंसमेंट होगा इस गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के माध्यम से ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता रहा हूं। इस गंगा एक्सप्रेसवे में जितने भी किसान और 12 जिले शामिल हैं, उन सभी किसान भाइयों को मुआवजा दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के जो निकट योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम लैंड बैंक बनाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को हम इस एक्सप्रेसवे के निकट लाएंगे, तो सबसे पहले टॉप स्तर पर 3 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला मेरठ जिला शामिल किया गया है और दूसरा हापुड़ जिले को शामिल किया गया है और तीसरा आपका बुलंदशहर और आपका जो तहसीलगढ़ है जहां पर जो गंगा बह रही है और उसी के आधार पर इस एक्सप्रेसवे का नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं, मेरठ, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और बुलंदशहर की जितनी भी आसपास की क्षेत्र की जो जमीन है वहां पर उद्योग कॉरिडोर के लिए तैयार किया जाएगा और यहां पर अन्य प्रकार की कंपनियों को डेवलपमेंट करने के लिए और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, जो सरकार के कंपनी है, वो भी यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका भी निर्माण यहां पर किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, लैंड बैंक की जो प्रक्रिया है, लैंड बैंक जो उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हम लैंड बैंक बनाएंगे, तो उसकी शुरुआत जो है बहुत ही जल्द होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर जिस दिन इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया जाएगा, उस दिन प्राइवेट कंपनियां यहां पर आके जमीन खरीदनी शुरू कर देगी। तो मेरठ जिला, हापुड़ जिला, गढ़ और बुलंदशहर के इन तीनों जिलों को एक आपसी समझौते के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी प्लानिंग है और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट कर दिया जाएगा कि जो नवेडे की जो उद्योग है वो इस गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठ के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। और बहुत ही जल्द हम आपको बता दें कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर आने वाली है और कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पर सर्वे करेगी और कौन कौन सी जमीन जाने वाली है, उसके बारे में भी हमारे पास डाटा आ चुका है और बहुत ही जल्द हम आपको बता देंगे कि कहाँ की जमीन, कहाँ की कौन कौन सी जमीन और किस किस क्षेत्र की, जितने भी इस मेरठ जिले के अंदर गांव पड़ते हैं उस कौन कौन से गांव की जमीन को एक्वायर की जाएगी जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है, और दूसरा आपका हापुड़ जिले के अंदर कौन कौन से क्षेत्र से जमीन ली जाएगी और गढ़ और बुलंदशहर क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर होगी जमीन की एक्वायर की जाएगी, उसके बारे में भी हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही जल्द आपको हम उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत